नहीं, पप्पू ना बनाओ, खुद पप्पू बन जाओ। और ऐसा हमारे देश के सांसदों को बहुत बड़ी सीख देने वाला है। देश की संसद के पास एक घर, 11A बलवंत राय मेहता लेन, जिसके बाहर बोर्ड लगा है, आपका घर सबका घर, आपका अपने घर में स्वागत है। क्या ये कोई आश्रम या किसी एनजीओ या संस्था का ठिकाना है? भीतर दाखिल होइए। अलग अलग बांटे गए हिस्सों में बेहद साधारण सी जनता नजर आती है। इनके चेहरे पर मजबूरी दिखती है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, कोई बीमार पिता अपनी बच्ची के साथ खेल रहा है, कोई अपने बेटे की बीमारी से लाचार है, और देखिए यहाँ महिलाओं को खाना परोसा जा रहा है, महिलाओं को बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है। क्योंकि धर्म जाति वाली राजनीति नहीं, यहाँ गरीबों की सेवा का छौंक लगता है। लेकिन देश की संसद के पास ये जगह कौन सी है जहाँ एक घर सैकड़ों लोगों को जिंदगी और मौत की लड़ाई में जीतने का साहस दे रहा है। ये घर है बिहार के मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का, जिनकी पत्नी रंजीत रंजन भी बिहार के सुपौल से सांसद है। सांसद के तौर पर पप्पू यादव को जो घर मिला, उसे उन्होंने जनता का घर बना दिया। एक सांसद जिनकी पहचान राजनीति में बाहुबली के तौर पर ज्यादा की गई, आज उन्हीं की कहानी देश के नेताओं को बताने वाली है कि नेताजी जनता की दिक्कतों पर पप्पू ना बनाओ, खुद पप्पू बनकर दिखाओ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के घर पर संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद को मिली। पूर्णिया की रहने वाली बीबी शगुफ्ता को देखिए, जो 4 साल से दिल की बीमारी के कारण बेबस हो चुकी थी। बिहार में इलाज नहीं हो पा रहा था। गरीब मजदूर पति मोहम्मद परवेज दिल्ली के एम्स में आ गए इलाज कराने। महीने के 5,000 रुपए कमाने वाले परवेज दिल्ली में कहां रुकते, कैसे खर्च उठाते, कैसे इलाज कराते? हर सवाल का जवाब बना सांसद पप्पू यादव का घर। इतना विश्वास रखे हमारे जब क्षेत्र के सांसद साहब हैं, तो खैर उनसे पूरा भरोसा और उम्मीद है हमको कि नहीं, किसी न किसी तरह से हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करा ही देंगे सर। ऐसा भरोसा सिर्फ मोहम्मद परवेज को नहीं, बल्कि पूरे बिहार से आने वाले हजारों गरीब लोगों को है, जिनके लिए दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मदद का सबसे बड़ा नाम बना है सांसद पप्पू यादव का घर। एक वक्त में पप्पू यादव के घर पर 500 तक गरीब लोगों को मदद मिलती है, जो बिहार के दूर दराज इलाकों से दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें पप्पू यादव के घर से एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में इलाज कराने की मदद मिलती है। लेकिन सवाल ये कि जब सांसद बनने के बाद हमारे देश के नेता विशेषाधिकार के नाम पर जनता से दूरी बनाकर जमीन से 2 इंच ऊपर चलने लगते हैं, तब एक सांसद कैसे जनता की दिक्कतों को दूर करने का अपना कर्तव्य याद रख पाया? इसका जवाब दिया पप्पू यादव की पत्नी और सांसद रंजीत रंजन ने। हम लोग को भी लगा कि उन्हीं लोग के कारण हम दिल्ली में हैं, उन्हीं लोग का दिया हुआ घर है, तो अगर आप उनकी हेल्प कर देते हैं, उनके रहने में थोड़ा बहुत खाने में कर देते हैं। हॉस्पिटल का सबसे मेजर इशू है कि अगर आपकी जान पहचान नहीं है और आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जन प्रतिनिधि होने का यही सही अर्थ है, जिसे पप्पू यादव से समझना चाहिए हर नेता को, क्योंकि सांसद निवास पर सिर्फ उन्हीं के संसदीय क्षेत्र या फिर पत्नी रंजीत रंजन के संसदीय क्षेत्र के आम लोगों को मदद नहीं मिलती, बल्कि बिहार के किसी भी जिले से आए लोगों की पूरी मदद की जाती है।
हमें यहीं पर मधेपुरा से आए ललित स्वर्णकार मिलते हैं। दोनों पैरों का ऑपरेशन जिनका एम्स में हुआ, कूल्हे का ऑपरेशन होना है। गरीब आदमी खर्च कैसे उठाता, कहाँ रहता, सबका इंतजाम सांसद पप्पू यादव के घर पर हुआ। यहाँ सुविधा मिल रहा है और सरकार तरफ से भी सुविधा मिला हमको, इसमें मिला है 1,55,000, 1,50,000, इसमें मिला 1,02,570 रुपया का बिहार सरकार से, सरकार सर दिलवाए वहाँ से। पूरा एक सिस्टम बना है दिल्ली में पप्पू यादव के सांसद निवास पर। दिल्ली इलाज कराने आए मरीज की मदद करने के लिए स्टाफ है। एम्स में जहां इलाज के लिए महीनों वेटिंग लगी होती है, वहां सीरियस मरीज के जल्द इलाज के लिए सिफारिश की जाती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब मरीज का खर्च का इंतजाम कराते हैं। हमें पीएमओ और बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आई यहाँ चिट्ठियां मिली, जिनमें लिखा है पप्पू यादव के कहने पर कैसे मरीजों को इलाज में लाखों की मदद दी गई। और पप्पू यादव खुद वो लिस्ट दिखाते हैं सैकड़ों मरीजों की, कि कितनी मदद उन्होंने अब तक सांसद होने के नाते कराई, जो उनका कर्तव्य है। ये 15 करोड़ का लिस्ट है, 15 करोड़ रुपया मेरे तरफ से और करीब 5 करोड़ रुपया रंजीत रंजन जी की तरफ से। ये इलाज करा चुके हैं, लोगों को पैसा दे करके प्रधानमंत्री से किसी तरह मांग के, मुख्यमंत्री से मांग के राशि, ये देखो ये लिस्ट है। आप रिकमेंड करते हैं बिहार के, आपको इसमें सब मिल जाएंगे। हर एक एमपी अपने क्षेत्र तक के लिए लिखने में परेशान होता है, मैं बिहार तक के हर लोगों बाहर को भी लिख देता हूँ ये लिस्ट है। तो क्यों नहीं देश जनता को पप्पू बनाने की जगह, क्योंकि एक सच के सांसद मिलने वाली 5 करोड़ की सांसद निधि भी पूरी तरह जनता के लिए खर्च नहीं कर पाते। 2009 से 2014 के बीच देश के सिर्फ 23% सांसद 5 साल में अपनी पूरी सांसद निधि जनता के विकास में खर्च कर पाए थे। 16वीं लोकसभा में अब तक सांसद जनता के लिए मिला 2,114 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए हैं। इस तरह कैसे हमारे देश के सांसद जनता के लिए मिला हुआ पैसा ही जनता के लिए ना खर्च करके कैसे जनता का नुकसान करते हैं, हमने इस बारे में बात की जनप्रतिनिधियों के रिकॉर्ड पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सीनियर रिसर्चर नीलेश एक्का से। 5 साल में एक एमपी को 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं। जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें करीब 5-6% ही यूटिलाइजेशन हो पाया था, जो लेटेस्ट रिपोर्ट में पड़ी थी 2014-15 में जो कार्य हुए थे, तो जिसकी रिपोर्ट 15-16 की निकली जो लेटेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम जो खर्चा कर पाए थे वो 5-6% ऑफ द टोटल फंड, मतलब जो इंक्लूडिंग ऑल एमपीज। एमपी जो है वो सिटीजन्स के द्वारा अगर कोई रिक्वेस्ट आई है या फिर अपनी तरफ से अपने सोच से वो प्रोजेक्ट रिकमेंड करता है, कहीं ना कहीं इसमें प्लानिंग की कमी है कि हम देखते हैं कि प्लानिंग ठीक से नहीं होती तभी वो प्रोजेक्ट्स रिकमेंड नहीं कर पाते। और तब पप्पू यादव जैसे सांसद भी हैं जो अपनी 99% सांसद निधि खर्च करने के साथ गरीब बीमार जनता की मदद के लिए अपना सांसद निवास खोले बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद हो सकता है कि आप कहें या फिर वो माननीय कहें जिन्हें हम नसीहत दे रहे हैं कि क्या पप्पू यादव से सीखना पड़ेगा, जिनका अपराध के क्षेत्र में एक दागी इतिहास रहा है, क्योंकि पप्पू यादव का चुनावी हलफनामा खुद कहता है कि 24 आपराधिक केस हैं। अजीत सरकार हत्याकांड में 2008 में सीबीआई की अदालत ने पप्पू यादव को सजा भी सुनाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट से पप्पू यादव बरी हो गए थे। इसीलिए जरूरी है कि पप्पू यादव आज जो नजीर देश के ने पैदा कर रहे हैं उसे देखा जाए, जो मेडिकल लूट के खिलाफ मुहिम चला और देश के सांसदों को अपने घर से एक सीख सांसद होने और सांसद निधि खर्च करने को लेकर। बिहार के अररिया से दिल्ली के एम्स में बेटे की दिमागी बीमारी का इलाज कराने आए ये हैं मजदूर गयाराम यादव। इतना पैसा नहीं था कि बेटे की जिंदगी बचाने दिल्ली आ पाते, लेकिन दिल्ली में पप्पू यादव के घर आए तो अब उम्मीद बंधी है बेटा बच जाएगा। नाम
नाम सुने थे पिछले पहले भी कि बढ़िया सुविधा है वहाँ पर, उनके वहाँ जाओ कुछ सहूलियत, वो भी लोग सहयोगी होता है, सहयोग करता है, आए तो सही, हम लोगों को सहयोग मिला, ऐसे बात नहीं है। सहयोग के यहाँ का आदमी साथ में गया, वहाँ रिपोर्ट उपोर्ट बनवाया और रहने का ठट ठिकाना दिया, और इससे बढ़कर के और क्या करके देगा जी, खाना पीना भी खिलाया। बिहार से आने वाले मरीजों को पप्पू यादव के घर पर सिर्फ रहने और इलाज कराने की मदद ही नहीं मिलती, दो वक्त के खाने का इंतजाम भी होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। कुछ लोग खुद से खाना बनाना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम है। पीने के साफ पानी की व्यवस्था है, और ऐसी मदद सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में पप्पू यादव कराते हैं। आखिर क्यों? पूरे सुबह आपके सेवक आपके द्वार कार्यक्रम करते हैं, किसी हॉस्पिटल के आगे, IGMS के आगे, PMCH के आगे, सरकारी, जहाँ पर लोग परेशान होते हैं, तंग कर किया जाता है, डॉक्टर तंग करते हैं, 10 लाख 8 लाख रुपया ले लेता है, क्योंकि हिंदुस्तान में मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, फेल्योर है। 70 लाख 1000 करोड़ का मेडिकल माफिया है इस कंट्री में। सबसे ज़्यादा लोगों का खर्च होता है जांच पर, डॉक्टर अपने कमीशन के अनुसार जांच लिख देते हैं। महंगे इलाज की लूट कैसे सरकार पैदा होने देती है, इसकी एक रिपोर्ट हमने गुरुवार को आपको दिखाई। केंद्रों के बाहर गाय भैंस खड़ी मिलती हैं, क्योंकि ना डॉक्टर है ना स्वास्थ्य सुविधाएं, और इसके लिए जिम्मेदार है, ये हमें बताते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रवि वानखेड़कर और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर विनय अग्रवाल। जिले में अच्छी सुविधा है नहीं, इसलिए सबको दिल्ली भागना पड़ता है। ये दिस इज नॉट अ गुड सिस्टम। तो हर साल इंडिया में तैयार हो रहे हैं MBBS के, और आपके पास वैकेंसीज भी है, ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, इसलिए ये दोनों मिलाप नहीं हो रहा। हेल्थ का बजट बढ़ा के 3% करना चाहिए कम। दूसरी बात है हेल्थ, ये एक बेसिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए। वैसे राइट टू हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ केयर सबका। काफी समय से रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो समय समय पर आती रही है, उनकी प्रायोरिटी एरिया ही नहीं रहा है। आप देखिए जो स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं, केरला है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा मींस नहीं है। केरला के सबसे ज़्यादा हेल्थ मानक है, क्यों है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उनका प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, उनका जो कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी हेल्थ स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत रईस लोग नहीं है वहाँ, बहुत बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है। तमिलनाडु को ले लीजिए, तमिलनाडु की अब जितने हेल्थ मानक है या जितने भी हैं, वो अब अच्छे होते जा रहे हैं, बिकॉज तमिलनाडु पे भी उन्होंने प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर पे सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। लेकिन जब आप दूसरी तरफ जाते हैं, जो पहले तमिलनाडु स्टेट्स कहलाती थी, चाहे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लें या आप ले लें या आप उड़ीसा ले लें, इन स्टेट्स की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नेंस नहीं है और हेल्थ प्रायोरिटी एरिया नहीं है, तो वहाँ पर उसी तरीके से ये हेल्थ केयर जो सफर कर रहा है। तो जब सरकारें स्थानीय स्तर पर सही इलाज की सुविधा वक्त रहते नहीं दे पाती, तो गरीब की बीमारी बड़ी हो जाती है, जिसे इलाज के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में आना पड़ता है, जहाँ पप्पू यादव जैसे सांसद एक तरफ और अपने सांसद होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सैकड़ों सांसद जो जनता के विकास में खर्च करने के लिए मिली सांसद निधि का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें कहना पड़ा, नेताजी दिक्कत में फंसी जनता को पप्पू मत बनाइए, खुद पप्पू बनकर दिखाइए। आज
आज एबीपी न्यूज की राय है कि सांसदों को जनता के विकास में सांसद निधि खर्च करने की जवाबदेही तय की जाए। जो सांसद अपनी पूरी सांसद निधि तय समय में जनता के हित में नहीं खर्च करते उनके वेतन और भत्ते रोके जाने चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर